नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोज तीखे वार पलटवार देखने और सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में ताजा बयान के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मोदी शिवराज मास्क मार्केट में बेचे जाने को लेकर भाजपा पर जमकर हमला किया और अपने तीखे हमले लगातार जारी रखे। पीसी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि बीजेपी का मास्क कोरोना है। झूठे आंकड़े रखने के साथ मास्क पर लगे चेहरे ही बीजेपी के असली चेहरे हैं, यही कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही आगे बोलते हुए कहा कि बीजेपी का असल चेहरा सबके सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी सांसद के महिला पर की गई टिप्पणी को लेकर बोले, इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता साफ तौर पर नजर आती है। इसके बाद कोरोना संक्रमण पर हमला जारी रखते हुए भाजपा पर तीखे वार किए। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बड़ा क्लियर कहा है कि सरकारें आती जाती रहती, परंपरा ठीक नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवस खिलाफ इस तरह की FIR करें, उसमें MLA पूर्व मंत्री वगैरह जा रहे हैं, और ये परंपरा गलत है और उसकी उन्होंने निंदा की है। पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले में जो कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है उसके साथ है और दिग्विजय सिंह जी के साथ है। और वो जो वीडियो था, वो वीडियो के शब्द तो कहे हैं उन्होंने इस चीज़ को पहले कहा है, तो आज भी तो वही हो रहा है कि महिलाएं शराब बेच रही हैं और शराब बेचने के लिए उतारू हैं। और अगर कोई स्टेप लिए सरकार ने तो केवल शराब बेचने के लिए, हर तरह के स्टेप लिए, प्रेशराइज किया जो उनके ठेकेदार थे, सब तरह से वो किया। और आज स्थिति है इन सब मामलों को लेके, आज आया राजगढ़ में मास्क नहीं पहना था एक व्यक्ति, उसको इतना मारा कि उसको हार्ट अटैक आ गया, एक लड़के की आँख फोड़ दी। तो ये सब कानून व्यवस्था की स्थितियाँ चल रही है। और मैंने बार बार कहा दिग्विजय सिंह जी से डरती है भाजपा और सरकार, इसलिए कोई ना कोई ऐसा इशू लाते हैं जिससे वो चुप हो जाए, लेकिन वो चुप होने वाले नहीं है। जनहित की बातों को वो लगातार उठाते रहेंगे। आदिवासी, SC ST, अल्पसंख्यक सब की बात को वो पूरी ताकत से उठाते रहेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक वो लगा दिया है, याचिका लगवा दी किसी से हाईकोर्ट इंदौर में, वो मैं समझता हूँ इसलिए लगाई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये पचा नहीं पा रहे हैं, ये राज्यसभा भी नहीं जाए, राज्यसभा का चुनाव स्थगित करने की बात के लिए लगाई है। तो ये कहीं ना कहीं अंतःकलह इनका पूरी तरह से चल रहा है। और एक न्यूज़ आई है कि वीरेंद्र रघुवंशी जो कोलारस के विधायक हैं, उनने जो गोविंद राजपूत जी मंत्री जी हैं उनसे कहा कि आपने फ़ोन उठा रहे हो, उन्होंने चिट्ठी का जवाब दे रहे हो, ये चुनाव उनाव तो लड़ लेंगे हमारे नेता, मतलब इनको नहीं मानना, बोले हमारे नेता लड़ लेंगे शिवराज जी और मोदी जी, पर तुम ये चने नहीं तुल रहे हैं, गीले चने, किसान चले गए, इस पे ध्यान दो। तो ये अंतःकलह बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में चला रहा। वो कहीं कह रहे हैं कि शिवराज जी की केंद्र का इशारा था, उस पर तोड़ी सरकार, और उनकी स्थिति ये हो गई है कि कुदरत भी साथ नहीं है। कल पहली रैली करने निकले तो हेलीकॉप्टर में 20 मिनट रह गए, उसके बाद सुर्खी जा ही नहीं पाए, सागर नहीं जा पाए, तो कुदरत भी इनके साथ नहीं, पहले ओपनिंग में ही। भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के घर चूड़ियां भेजने का सिलसिला शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस सचिव राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखे का प्रतीक चूड़ियां सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को भेजेंगे। आइए आप बताते हैं आपको यह पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामने वाले 22 विधायकों के घर
और उनके मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर रंग बिरंगी चूड़ियां कुरियर के माध्यम से पोस्ट की है। इंदौर से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। राज्य के 22 विधानसभा क्षेत्रों से रंग बिरंगी 22 पैकेट चूड़ियां इंदौर पहुंचेगी। फिर उसके बाद कुरियर के माध्यम से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट के घर ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल पर चूड़ियां पहुंचाकर उन्हें एहसास दिलाया जाएगा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेताओं ने जो जनता के साथ छल किया है, कांग्रेस के साथ जो गद्दारी की है, उसके फल स्वरूप उन्हें ये चूड़ियां भेंट की जा रही है। ये लोकतंत्र बचाओ अभियान मध्य प्रदेश के वोटों के साथ जिन लोगों ने सौदा किया था उनके खिलाफ ये शुरू किया गया है। ये 22 जो विधायक हैं जो कांग्रेस से धोखा करके गए और इसके साथ वहाँ के मतदाताओं के साथ धोखा करा, मतों की अवहेलना करी। इनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 साल तक कांग्रेस में रहे, 20 साल तक पदों का उपभोग करा और इनके पिताजी के कारण इनको वो पद सीधे मिले। उसके बाद 20 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा गले में डाल के और ये 22 लोग भाजपा से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जो जनता के साथ प्रजातंत्र के लिए भी खतरा है, जनता के मतों के साथ भी खतरा है और जनता के साथ सीधे सीधे धोखाधड़ी। इसके खिलाफ एक लोकतंत्र अभियान शुरू किया गया, लोकतंत्र बचाओ अभियान। इसके लिए सभी 22 विधानसभाओं में वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सभी यूथ वर्ग को जोड़ा गया है, अनेक सामाजिक संस्थाएँ, लगभग 25 से 30 सामाजिक संस्थाएँ और लगभग 40 से 50 खेल संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का एक ही मकसद है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मतों को खरीदा और बेचा गया, लोगों के विश्वास को छला गया, उसकी खिलाफत हर आम आदमी, हर सामाजिक संस्था का व्यक्ति, हर युवा इसलिए कर रहा है कि मध्य प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू नहीं हो जाए। अगर ये 22 लोग चुनाव जीत के फिर से विधानसभा में पहुंचते हैं तो कल फिर ये वोटों का सौदा करेंगे, जनता का सौदा करेंगे, लोकतंत्र का सौदा करेंगे। इसलिए एक ही मकसद है इस लोकतंत्र बचाओ अभियान का कि इन 22 लोगों को किसी भी सूरत में विधानसभा में नहीं पहुँचने देना है। इसको लेके हर विधानसभा में यह अभियान चलाया जाएगा, उपचुनाव होंगे जब तक चलाया जाएगा, युवाओं को सबको इसमें जोड़ा जा रहा है और इसके साथ सारे विधानसभाओं से हमने जब बात की, वहाँ के अध्यक्ष बनाए, तो इतना ज़्यादा रोष ज्योतिरादित्य सिंधिया और इन 22 लोगों के खिलाफ है कि उस रोष को व्यक्त करने के लिए हमने एक माध्यम निकाला। आज के दिन हम इन 22 विधानसभाओं से प्रतीकात्मक चूड़ियाँ बुलवाई हैं जो इनके निवास पे, सभी 22 जो विधायक हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जयविलास महल पे ये चूड़ियाँ विरोध स्वरूप भेजी जा रही हैं और जिस विधानसभा में चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहाँ की महिलाएं, बच्चे, युवा सब इनको चूड़ियाँ भेंट करके ये बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की अवहेलना की, किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र को छलनी छलनी करा, पैसों की खातिर अपने वोट आन के जनता के वोटों को बेच दिया और आज उन पैसों से फिर वोट खरीदने आ रहे हैं उसी विधानसभा में। तो एक सूत्र, एक प्रोग्राम है कि 22 लोग किसी भी सूरत में विधानसभा में नहीं जा पाएंगे, जो कि जनता का मंदिर है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश के शुरू होने से गरीब मजदूरों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। बडनगर नयापुरा बाईपास पर रहने वाले गरीब मजदूरों को आफत की बारिश का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर अपने आशियाने छोड़ने पर मजबूर हैं। मजदूर बाईपास किनारे सड़क के निचले हिस्सों में रह रहे हैं। यहाँ पानी अधिक भर जाने से इन्हें अपने घर छोड़ना पड़े हैं। पिछले साल भी भारी बारिश के चलते इनके आशियाने डूब गए थे, इनका भारी नुकसान हुआ। शासन प्रशासन ने आनन फानन में हजारीबाग बस स्टैंड पर अस्थायी रूप से इनके रहने की व्यवस्था कराई, लेकिन अस्थायी व्यवस्था के चलते मजदूरों को हर साल इस समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे मजदूर वर्ग शासन प्रशासन से मदद की आस लिए हर बार आते हैं, लेकिन उनकी कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं होने से ये सभी मजदूर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। फिर नया साल, नई आफत और सरकार का वही ढीला रवैया, इसी रवैये के चलते मजदूरों में आक्रोश नजर आ रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कहीं भी नहीं है, खाली डूब में है, खाली रोड भी नहीं है ढंग का। आपको जब पिछली बार यहाँ आप डूब में थे तो प्रशासन ने आपसे क्या वादे किए थे? यहाँ पे जो रोड से आपके मकान इतने नीचे बने हुए जिसकी वजह से पानी घरों में भर जाता है, तो यहाँ कुछ जगह ऊंची करने के लिए प्रशासन ने बोला था, उन्होंने किया था कि मैं करवा देंगे हम ये चुनाव बाद, तो चुनाव बाद कुछ भी नहीं हुआ, दो चक्कर डूब गया पानी और मकान में सामान था वो भी हो गया। कितना नुकसान हुआ था आपका? नुकसान तो है, नुकसान तो यहाँ पर बड़नगर में जो गरीब और असहाय व्यक्ति थे और जो दरवाजा जो रोड है
उसको बाईपास निकाला, वो काफ़ी वर्षों से वहाँ पर स्थापित लोग थे, उनके झोंपड़ी में रहते थे बेचारे, अपना गुजर बसर करते थे। और आकस्मिक जो कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने तुरंत उस पर एक प्रकार का मतलब गरीबों पे इस प्रकार के प्रहार करके उनसे वहाँ से एक बिना सूचना दे करके उठवा करके कई ऐसे जो वास्तव में पहले से ही चामला नदी है और चामला नदी डूब क्षेत्र आता है जहाँ पर हाट बाज़ार भी होता है था, बेलो ढोर के हाट होते थे, वहाँ पर उनको स्थापित कर दिया और वो वैसे भी डूब क्षेत्र है और जब भी पानी आता है उनके मकान डूब जाते हैं। अभी बारिश प्रारंभ हुई उसके पहले ही उनके मकान धंसने लग गए और डूबने लग गए। मेरा पिछली जो सरकार ने इस प्रकार से जो गरीबों के प्रति जो इस मानवीयता का जो इस प्रकार से उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए वो न रखते हुए एक षड्यंत्र पूर्वक उनको हटा करके दूसरे स्थान पर जो स्थापित किया वो जो इन गरीबों की जो सहायता करनी चाहिए वो नहीं करी है। जो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में बनी है वो गरीबों के लिए उन्होंने इतने सारे जो काम खोल करके रखे हैं। मैं शासन प्रशासन से भी और वर्तमान हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि उनकी सहायता करना चाहिए और उनको वापस या तो उसी स्थान पर स्थापित करना चाहिए या सुरक्षित स्थान उनको देना चाहिए। जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आवास योजना के तहत उनको मकान दिया जाता है, तो इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार गरीबों के लिए करा है, वो पुनः कहीं अच्छा सुरक्षित स्थान दिया जाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।